आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निष्ठा उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से बड़ी खबर। मुरादाबाद में कार्तिकेय संस्था के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जहां कोरोना से ग्रसित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है कार्तिकेय संस्था। कोरोना ग्रसित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही कार्तिकेय संस्था। मुरादाबाद में कार्तिकेय संस्था के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, जहां कोरोना से ग्रसित परिवार के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अमीर हो या गरीब, सभी को संस्था के द्वारा भोजन मुहैया कराया जा रहा है। आपको बताते चले, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दिन पर दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों से हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं मुरादाबाद में भी दिन पर दिन कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। तो वही कोरोना की दूसरी लहर में मुरादाबाद की कार्तिकेय संस्था कोरोना मरीजों के परिवार के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। संस्था के अध्यक्ष दीपक बाबू सीए के परिवार में कुछ दिन पूर्व महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके कारण घर में खाने पीने की परेशानी होने लगी थी। जिन्होंने अपनी समस्या को देखते हुए समाज के लिए सोचा कि जब हम खाने के लिए परेशान हो रहे हैं तो और जनता कितनी परेशान होगी। इसी कारण दीपक बाबू सीए और सचिव पंकज दर्पण अग्रवाल के द्वारा संस्था के माध्यम से एक पहल शुरू की है, जहां मुरादाबाद में कोरोना से ग्रसित परिवारों को निशुल्क शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जा रहा है। आपको बता दें, जहां कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है, तो वहीं कोई सामाजिक संस्था या राजनीतिक पार्टियां आगे नहीं आई हैं। मुरादाबाद में पहले कार्तिकेय संस्था के द्वारा यह खास फल की शुरुआत की गई है, जिसमें गरीब हो या अमीर, सभी को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना से पीड़ित परिवार की मन्नत की जा रही है। मुझे डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल बोलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे संस्था के अध्यक्ष, हमारी संस्था बता दूं आपको, कार्तिकेय संस्था रजिस्टर्ड मुरादाबाद है। हम बहुत सारे सेवा कार्य लगातार करते रहते हैं। हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं आदरणीय दीपक बाबू सीए। अभी पिछले दिनों उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया। उनके घर में दो महिलाएं हैं, उनकी वाइफ और बहू, दोनों पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव। खाना बनाने की बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तब उनको ये महसूस हुआ कि भाई जब हमें ये दिक्कत हो रही है, हमारे घर में खाने की दिक्कत आ गई, तो मुरादाबाद शहर में तो इतने हज़ारों कोरोना पॉजिटिव हैं, कितनी परेशानी में आ गए होंगे वो लोग। तो हमने फिर ये अभियान चलाया दीपक बाबू के दिशा निर्देश में, और ये जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हमारे हैं, जितना सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, सब पर हमने ये पोस्ट किया कि ऐसे जो भी कोरोना पीड़ित परिवार हैं वो हमें सूचित करें। हम कोई कृपा नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई उपकार नहीं है। हम बस ये उनको दिखलाना चाहते हैं कि हम संकट के समय में उनके साथ खड़े हैं, और उनको शुद्ध सात्विक घर का बना भोजन हम लोग ये भिजवाते हैं। ये हम 5 दिन पहले की बात है, जब हमारे अध्यक्ष जी को पता लगा कि उनके घर में ये केस हो गया है, उसी दिन ये मन में भावना आई और उसी दिन से हमने ये सेवा शुरू कर दी है। पूरे शहर से आ रही हैं, आप समझिए दिल्ली रोड पर जो पाक बड़े में सुपर टैक कॉलोनी है, वहाँ से ले लो मानसरोवर कॉलोनी ले लो, बुद्धि विहार ले लो, दिल्ली रोड की ये कॉलोनी हो गई। कांट रोड पर रामगंगा विहार, दीनदयाल नगर, नवीन नगर, अवंतिका, वहाँ से सबसे आ रही हैं। शहर के बीचों बीच से आ रही हैं, मंडी चौक, गवर्नमेंट कॉलेज, दीवान का बाज़ार, ताड़ीखाना चौक। नहीं, हम तो कहीं भी नहीं जा रहे। हमने शहर में अलग अलग जो रसोई चलती हैं ऑलरेडी, हमने उन लोगों से टाई अप किया और उनको बोला कि हम आपको बोलेंगे जिस जिस एरिए के जो जो लोग हैं, हम उनको व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल भेज देते हैं अलग अलग परिवार की, और उनको बोल देते हैं इस घर में इतने खाने हैं, इस घर में इतने खाने हैं। वो लोग वहाँ पहुँचवा देते हैं, हमें डिटेल देते हैं, हम उनका पेमेंट उनको दे देते हैं। हाँ, टोटल सोशल मीडिया से चल रहा है, व्हाट्सएप विशेष रूप से, व्हाट्सएप या फोन कॉल। हाँ, हमने अपने नंबर दे रखे हैं ना, सारे सोशल मीडिया पे दे रखे हैं। हमारे पास रोजाना 20-25-30 कॉल्स आती हैं नई, जो ऑलरेडी जिनके साथ चल रहा है हमारा ये सेवा, उनके अलावा 20-25-30 रोजाना नए लोग और जुड़ते हैं हमारे साथ। शुद्ध सात्विक खाना वैष्णव खाना होता है, एक दाल, एक सब्जी, रोटी, चावल और सलाद।
जी किसी भी रूप में किसी भी सूरत में एक रुपया भी, कई लोग कहते भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी संपन्न हैं, इवन हम जिनके यहाँ खाना पहुँचवा रहे हैं उनमें कोई बैंक मैनेजर है, कोई एक्सपोर्ट का जिनका बिजनेस है, मानी बहुत रिचेस्ट लोग हो गए, संपन्न लोग हो गए, वो लोग बोलते भी हैं कि भाई हमसे तो आप पैसे लो। हमने कहा ये सेवा हमारी बिल्कुल फ्री है, आपकी श्रद्धा है, आप जब ठीक हो जाओ अपने जैसे किसी दूसरे भाई की सेवा करना, वो हम आपको बता देंगे भाई फलाना आदमी और परेशान है, हम आपसे उसकी सेवा ले लेंगे, लेकिन हम इस सेवा के बदले हमें किसी भी रूप में कोई शुल्क नहीं चाहिए। कैसा लगा आपको? मैं वो शब्दों में नहीं बयान कर सकता, ये आत्मिक अनुभूति होती है, जो सुख मिलता है, जो फोन्स आते हैं, और बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर हमने तो इतना स्वाद कभी खाने में अपने घर के खाने में नहीं लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, रूम लेकर रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं किराए पर, जब उन तक हमारी सेवाएं पहुँचती है वो बहुत बिल्कुल भाई जैसा व्यवहार मानने लगते हैं, बहुत सारी बहनें बन गई हैं हमारे, बहुत सारे भाई बन गए, और हमें बहुत सुखद अनुभूति होती है। तो क्या बात है, और भी क्या इंसानों को आगे बढ़ना चाहिए? एक आपके हाँ जी इस तरह की आई है जी? नहीं निश्चित रूप से, देखिए हर व्यक्ति की सीमा, नहीं कोई बात नहीं, कोई ना कोई पहला कदम बढ़ाता है, इसमें किसी को भी ना बुरा मानने की ज़रूरत है ना कोई ऐसी कोई बात है। ठीक है, हमें हमारे मन में भावना आई, हमारे भाई हमारे अध्यक्ष के खुद के घर में ये समस्या आई, उनके मन में ये भावना आई, थोड़ा इस लायक भी हैं कि कुछ कर सकते हैं, और हम लोग पीछे भी किसी से भी किसी सूरत में भी किसी से भी नहीं ले रहे हैं। असल में क्या है कि ये एक साल से ज़्यादा हो गया कोरोना चलते चलते, जब पिछली बार जब शुरू शुरू में कोरोना लहर आई, बहुत लोगों ने बहुत सेवा की, सरकार ने भी, प्रशासन ने, शासन ने, सब ने काफ़ी सहयोग दिया, अब सब लोग थक भी चुके हैं, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यार अब तो आदमी आदी हो गया है ये सब कुछ झेलने का, तो अब सच्ची बात तो ये है कि अब हमें सबको, जितने भी नगरवासी हैं, देशवासी हैं, हमें सबको खुद को ही ये संकल्प लेना होगा कि हमें 2 गज की दूरी रखनी है, हमें मास्क हर समय लगाए रहना है, हमें हाथ बार बार धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, बचाना है खुद को भी कोरोना से और समाज को भी, अपने साथी लोगों को भी, तभी हम लोग इस बीमारी को निपटा पाएंगे। देखिए आज हमारे सुबह जो टिफ़िन गए हैं वो 51 टिफ़िन गए हैं, शाम को थोड़ी सी और बढ़ गए हैं कुछ, शाम तक हमारे 65-70 करीब हो जाएंगे, और हम जो हमारी टोटल सुबह शाम दोनों समय मिला के, नहीं दोनों मैंने बताया, सुबह जैसे सुबह 51 गए, अब कुछ उसके बाद कुछ फोन्स और आ गए, अब शाम को जो हमारे हैं वो 70-75 करीब हो जाएंगे, कल हमारे 48 गए थे, 2-3 कम थे, तो ऐसे ही जैसे जैसे लोगों को पता लगता है वो लोग आते हैं अभी, बिल्कुल बिल्कुल उसी हिसाब से फिर वो गुंजाइश जो है वो बढ़ती चली जाती है खाने की। अभी अभी एक परिवार ने ये भी बोला कि अब हम थोड़ा ठीक हो गए हैं, हम बनाने लायक हैं, अब बस इतनी सेवा आपकी काफ़ी है, अब मत हमारे यहाँ भेजना। ऐसे भी लोग हैं जिनकी चल रही है उनकी उल्टा ख़त्म हो रही है, कुछ नए लोग आ रहे हैं।